नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आए हैं बगीचे में, यहाँ से हम लेंगे महुआ बहुत ही अच्छे से। दोस्तों गिरा चुहा हुआ है, आप लोग दिखाएंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग रेसिपी भी बनाकर दिखाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक रखते रहिएगा। तो चलिए एक कमेंट आप लोगों को बता देते हैं। तो योगिता यादव ने दोस्तों कमेंट किया हुआ है, उषा जी आपका जितना भी धन्यवाद किया जाएगा कम ही होगा, आपने जो बताया हुआ डाइट था उससे उनका वजन दोस्तों कम हो रहा है। तो आप लोग दोस्तों जो बताया हुआ था वैसे ही आप लोग करिए, आप लोगों का वजन बहुत ही अच्छे से कम होगा, बहुत ही आसान है, बस आप लोग लगन से खुशी खुशी करिए बस। तो महुआ के पेट पास दोस्तों आई हुई हूँ और यहाँ पे देखिए कितना भी है, सारा महुआ दिया हुआ है, देखिए लेकर आई हूँ। तो यही महुआ का पेड़ है दोस्तों, चारों तरफ फैला हुआ है महुआ, तो ढेर सारा महुआ गिरा हुआ है। ये वाला जो महुआ पेड़ पर दोस्तों आई हूँ ना, ये बहुत ही मीठा रहता है और इसके मतलब रेसिपी ज़्यादातर बनती है। तो देखिए यहाँ पे धोती दोस्तों बिछाया हुआ है जैसे कि इसी पर गिरे और रेसिपी बहुत ही अच्छे से मतलब माटी ना लगे। तो देखिए खाने के लिए अलगाने के लिए ये सब बिछाया जाता है। तो जो साड़ी पर है वही वाला हम बीनेंगे, तो पन्नी साड़ी कुछ भी बिछा देते हैं तो बहुत ही बढ़िया महुआ जो है फ्रेश रहता है एकदम। तो महुआ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुशबू भी देता है और बीनते समय देखिए सीरा सीरा हाथ में लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा रसीला है देखिए। तो रात से दोस्तों चूना स्टार्ट हो जाता है महुआ और जितना घाम लगता है उतना ही ज़्यादा गिरता है, तो देखिए अभी तक चू ही रहा है। तो महुआ दोस्तों ढेर सारी रेसिपी बनती है, तो आप लोग भी बनाइए खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। जो समय चीज़ रहता है दोस्तों उसको मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि साल भर एक बाद ही मिलता है, मार्केट में खरीदने से भी नहीं मिलेगा। तो चाहे दोस्तों इस तरीके से ऐसे करके भर सकते हैं, पर एक एक देखिए इसमें पत्ती गिरा हुआ है इसलिए मैं एक एक से बीन रही हूँ। पैर दोस्तों बचा बचा कर रखते हैं जैसे महुए पे गिरे पैर ना पड़े और नहीं तो पलीता हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ कम से कम ढेर सारा पेड़ है और दादी बताती थी कम से कम एक महीने तक ये दोपहर में डेली रेसिपी बनता था और सुखवा कर रख देते थे, उसे बरसात में खाते थे, तो बहुत ही अच्छा दोस्तों बनता था। तो उस तरीके से हम भी बनाएंगे। तो अभी लग दोस्तों सब लोग कहावत कहते हैं महुआ मटर खाए हो इसीलिए इतना ज़्यादा ताकतवर हो, तो महुआ और मटर दोनों मिलाकर भी रेसिपी बनती है। तो डलाई में देखिए एकदम फ्रेश दोस्तों बहुत ही अच्छा महुआ बीना हुआ है हमने, और ज़मीन पे देखिए ज़मीन पे उसके लिए बहुत ही बढ़िया है, अगर एक एक से ही खाएगी तो भी गंदा नहीं है। तो मनोरमा दोस्तों इंदौर से कमेंट की हुई है कि जो ससुर दोस्तों गिरते समय बहुत ही अच्छा लग रहा उनको लग रहा था और बहुत ही अच्छा सिरका भी बना हुआ है, तो सही है दीदी बहुत ही अच्छा हम लोग बना कर रख देते हैं ना, बहुत ही फायदा भी रहता है और दाल में डालकर इस समय तो गर्मी में दाल ही बनेगा तो इसके साथ हम लोग खाएंगे। एक डलाई भर का हमने बीन लिया है, चलिए दिखाते हैं और कहाँ पे बीन कर रखा गया है। देखिए यहाँ पे कुआ है और कुआ दोस्तों ढका हुआ था क्योंकि बच्चे लोग वहाँ पे आते हैं नहाने के लिए। ये देखिए इतना ढेर सारा महुआ बीन कर रखा गया है और ढेर अभी ढेर सारा हो जाएगा पूरा पेड़ कर बीनेंगे तो। तो चलिए हम चलेंगे अब घर पे, अब देखिए पानी से हम अच्छे से धोएंगे तो ढेर सारा पानी ले लेते हैं, तो साथ में डालकर महुए को अच्छे से हम धोएंगे, दबा दबा कर नहीं धोएंगे बस हल्का कर धोएंगे। ये देखिए जो पाती है उसे हम निकालेंगे। तो एक पानी हमने धो लिया है, इस बर्तन में रखेंगे जो गंदा पानी है वो निकल जाएगा। इसी तरीके से हम दोबारा धो लेंगे, अब महुआ दोस्तों फूटा नहीं है, जब फूटा फूट जाता है तो रस निकल जाता है, तो इसे हल्के हाथ से हम ये देखिए निकाल कर हम इस बर्तन में रखेंगे तो अच्छे से महुआ हमारा साफ़ हो गया है हमारे हाथ में, देखिए बहुत ही बढ़िया साफ हुआ है। तो सुबह सुबह धोते हैं बीनते हैं महुआ तो बहुत ही रसीला रहता है। पानी जो है डलाई में से अच्छे से देखिए गिर गया है, इसमें पानी नहीं है तो इस बर्तन में हम रखेंगे। अब महुए का हम रस निकालेंगे, बहुत ही दोस्तों इसमें रस भरा हुआ है, देखिए सुबह सुबह दोस्तों इसे आप बीनेंगे महुआ तो बहुत ही ताज़ा रसीला रहता है, तो हाथ से पूरा इसे हम मसलेंगे। तो थोड़ा सा हमने मसला हुआ है, देखिए इतना रस निकल गया है, तो इसी तरीके से पूरा हम मसल लेते हैं। तो अच्छे से हमने मसल लिया है, इतना रस निकलना था वो निकल गया है, तो चलिए अब इसे हम गाड़ते हैं, इसे निकाल देंगे उसके बाद हम छानेंगे।
ये देखिए इसी तरीके से हम अच्छे से निकाल देंगे। तो अच्छे से हमने गार लिया है, देखिए दोबारा गार लिया है तो बहुत ही अच्छे से गारा हुआ है, इसमें रस बिल्कुल नहीं है, ये भैंस खाएगी हमारी गाय। अब हम रस को छानेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ये बच गया है, इसे हम दोबारा गार लेंगे और ढेर सारा दोस्तों रस निकला हुआ है तो इसे हम खराब नहीं करेंगे, दो रेसिपी बना देंगे हम। तो लपसी और गुलगुला दोस्तों दोनों हम बनाएंगे। तो लपसी के लिए थोड़ी सा हम आटा गूंदेंगे, यही सीरा से, ज़्यादा नहीं गूंदेंगे, थोड़ा सा गीला आटा गूंदेंगे, जैसे हम सेव बनाएंगे तो अच्छे से सेव बन जाए। सेव बनाने के लिए इतना हमने आटे को तैयार कर लिया है, अब हम बनाएंगे गुलगुला दोस्तों, उसकी आटा है देखिए, इसमें हम डालेंगे पहले चीनी, चीनी थोड़ा सा डाल देंगे तो मीठा मीठा रहेगा और महुआ तो मीठा रहता ही है, और थोड़ा सा चीनी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये काजू है दोस्तों, इसे हम काटे नहीं है तो हाथ से इसे तोड़ लेते हैं। तो गुलगुला हम दोस्तों काजू भी डाल देते हैं, बच्चे लोग प्यार से खाएंगे, ये अच्छा लगता है देखिए। तो महुए के रस को हम डालेंगे, एक साथ में डाल देंगे। तो पानी दोस्तों गुलगुला जो बनाता है तो बनता है तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी नहीं डालना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा डालना चाहिए क्योंकि मिलने दो है, अच्छे से मिलता है। गुलगुला के लिए हमने आटे को तैयार कर लिया, देखिए इतना गीला गीला है तो बहुत ही अच्छा फूल फूल कर बनेगा गुलगुला। तो चलिए इसे रहने देते हैं 5 मिनट के लिए, और चलिए दूल्हे माँ को जलाएंगे अब हम। तो सीमा अग्रवाल ने दोस्तों कमेंट किया हुआ है कि मेरी माँ भी ऐसी दाल बनाती थी, बहुत ही अच्छा लगता था। तो सही है दीदी, हम भी बनाए थे, बहुत ही अच्छा सबको पसंद आया था। तो आग अच्छे से जला लिया है, अब इसमें हम रख देंगे कढ़ाई, कढ़ाई को अच्छे से इसमें हम डाल देते हैं रिफाइन का तेल, गर्म होने देंगे। रिफाइन का तेल हमने डाल दिया है, तो पहले हम बनाएंगे गुलगुला, उसके बाद बनाएंगे लपसी, जो कढ़ाई हमारी अच्छे से खाली हो जाएगी। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, तो चलिए हम इसे गुलगुला बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटा बड़ा सभी गुलगुले बनाएंगे, ये देखिए छोटा भी गिरा दे रहे हैं। तो तेल हमारा ज्यादा है तो थोड़ा सा ज्यादा बनाएंगे, जल्दी से हो जाए। तो अभी हमने पलटा नहीं है, देखिए फूल फूल के ऊपर आ गया है, तो चलिए इसे हम पलट देते हैं अब एक एक करके। तो आज को हम ज्यादा तेज नहीं रखेंगे, जैसे गुलगुला अंदर तक अच्छे से पके। तो गुलगुला दोस्तों बहुत ही अच्छे से धीमी आंच में हमने पकाया हुआ है, तो तैयार हो गया है, तो चलिए इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। बहुत ही पकने के बाद बहुत ही हल्का हल्का लगता है। तो ऐसे ही दूसरे घान को हम डालते हैं। तो डालते समय दोस्तों थोड़ा सा ऐसे कर इस तरफ कर देंगे, थोड़ा सा पतला हो जाएगा, एक जगह पे गिराएंगे तो मोटा रह जाएगा। ये पकने देते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं, हल्का सा फूल जाएगा, उसके बाद हम पलटेंगे। तो दोनों साइड अच्छे से दोस्तों पक जाता है, तो आंच को एकदम धीमी कर देते हैं, जैसे अच्छे से सोना सोना अंदर तक हो जाए। तो गुलगुला दोस्तों महुआ बहुत ही अच्छा लगता है, खुशबू इसका बरकरार रहता है, महुए जैसा खुशबू देता है खाते समय। सारा गुलगुला को हमने बना लिया है, देखिए फूला फूला बहुत ही अच्छे से गुलगुला हमारा बना हुआ है। अब चलिए इसे तेल को हम दूसरे बर्तन में रखेंगे, कढ़ाई को खाली करेंगे। तेल को हमने निकाल दिया है, अब हम बनाएंगे लपसी, जिसमें हम डाल देते हैं रस को। तो रस हमारा उबलने लगा है तो इसे हम चलाएंगे नहीं, जो मही है एक साइड होने देंगे, उसके बाद हम मही को निकालेंगे। तो चलिए हमारा उबल रहा है रस, तब तक आप लोगों को एक कमेंट पढ़ के सुना देते हैं। तो सोनम दोस्तों देहरादून से कमेंट किया हुआ है, दी मुझे आपकी सारी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, और जो भी आप बनाती है बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू दीदी, आपको पसंद आता है तो ऐसे आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा, करते रहिएगा। तो जो मही एक साइड हुआ है उसे हम निकाल देते हैं, ये देखिए निकालने के बाद इसे हम फेंकेंगे नहीं और गाय को डालेंगे ठंडा होने के बाद। तो मही को हमने अच्छे से निकाल दिया है, और सीरा भी हमारा पक चुका है। तो देखिए जो हमने आटा गूंद कर रखा हुआ है सीरे से, अब इसका हम सेव बनाएंगे। तो
देखिए इसे हम पतला पतला सेव बना रहे हैं। तो उस साइड बैठी थी दोस्तों, बहुत ही आँच लग रहा था, तो इस साइड बैठ गए हैं, तो आराम से इसे हम सेव को बना लेंगे। तो सीधा दोस्तों सेव हमने बना लिया है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें चीनी डाल देंगे, जो हमने आटे डाला हुआ, जो वो भी मीठा मीठा लगे। और ये देखिए थोड़ा सा हमने डाला हुआ है। तो महुआ दोस्तों कोई भी रेसिपी बनती है ज़्यादा इसमें मीठा नहीं डाला जाता, क्योंकि पहले से ही मीठा रहता है। तो चलिए इसे अच्छे से हम पकने देते हैं, जो आटा का हमने सेव बनाया हुआ है, तो अच्छे से वो टाइट हो जाए पकते पकते। सकीना दीदी ने दोस्तों कमेंट किया हुआ है कि वीडियो बहुत अच्छा रहता है दीदी आपका, तो थैंक यू दीदी, आपको पसंद आता है तो आप लोग हमारे ऐसे ही पूरा पूरा वीडियो देखा कीजिएगा। महुआ की तरफ से दोस्तों बनकर तैयार हो गया है, देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और आटा दोस्तों बहुत ही अच्छे से सीरे में पका हुआ है रस में, तो पकते पकते काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए और गाढ़ा आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा ये पतला थोड़ा सा पतला रखा हुआ है कि ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाता है इसीलिए। तो महुआ का गुलगुला दोस्तों बना लेते हैं, दो दिन तीन दिन चार दिन रख कर, और सब लोग खाते रहते हैं, पानी पीते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ायदा भी करता है और महुआ का स्वाद भी मिलता रहता है। और महुआ की लस्सी भी दोस्तों बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और इस तरीके से दोस्तों बनाते हैं सब लोग, एकदम महुए का स्वाद मिलता है, अच्छा लगता है। तो रस बनाते हैं दोस्तों, तो दो तीन रेसिपी महुए के बना लेते हैं। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को जवाब देंगे। आज से मैं दोस्तों आप लोगों को हम सारा सारा कमेंट पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप मिलेंगे अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।